शिव ठाकरे की पॉपुलैरिटी को देखकर आखिरकार किसने दिया है उन्हें बड़े शो का ऑफर? क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूल्स। जी हाँ, शिव ठाकरे की किस्मत तो भाई चमक गई है। बिग बॉस मराठी जीतने के बाद, उसके बाद अब बिग बॉस सीजन हिंदी कर रहे हैं वो 16th, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, डे वन से उन्होंने अपना दबदबा बना कर रखा है, चाहे घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। और दिन ब दिन वो अपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें किए जा रहे हैं जिससे वो अपने जनता का दिल जीत रहे हैं। अब हाल ही में आपने देखा कि प्रोमो में किस तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है उनका, वो रो रहे हैं, रो रो के अपने दिल की बात बता रहे हैं जनता से और बिग बॉस से। और जिसके बाद उनके फैंस यही कह रहे हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग, आप ही जीतोगे ट्रॉफी, तो भाई आप ही लाओगे और आप ऑलरेडी विनर हो हमारे लिए। ये सारी बातें शिव फैंस की तरफ से आ रही है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो भाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पहले से तो थी, अब और बढ़ती जा रही है। नेशनल लेवल पर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं, उनका जो दिल है, जो सच्चा दिल है, वो काफी पसंद आ रहा है। क्योंकि एक चीज भाई माननी पड़ेगी शिव ठाकरे की, वो गेम खेलते हैं जी। और बिग बॉस के घर में तो सब गेम ही खेलने आते हैं, और लेकिन गेम खेलते खेलते वो जिस तरीके से लड़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो किसी को लेकर ग्रजस पाल के नहीं रखते, किसी को अपना कट्टर दुश्मन नहीं बना रहे कि नहीं भाई ये मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका भी जब रोती है, करती तो उन्हें संभालने जाते हैं, सुमन को कितने अच्छे से संभालते हैं अपनी छोटी बहन की तरह, और प्रियंका को अच्छी दोस्त की तरह, सबको ऐसे वो संभालते हैं। अर्चना के साथ उनकी लड़ाई हुई थी बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी अर्चना से नोकझोंक करते रहते हैं, उन्हें उनके पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, वो ग्रजस नहीं पाल के रखते, जो कि काफी अच्छी बात है और यही बात लोगों को पसंद आ रही है। अब दिल तो जीत रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है, अब जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो भाई शो की ऑफर्स तो आएंगे। तो आपको बता दूं, कलर्स का शो मिला है, ऑफर हुआ है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये बताया जा रहा है कि शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13, यानी जो नेक्स्ट सीजन आएगा, यानी कि 13, उसमें नजर आ सकते हैं, वो एक खिलाड़ी बन सकते हैं। अब ये खबर कितनी सच्ची है, ये तो भाई जब शिव ठाकरे बाहर आएंगे तब पता चलेगा। और वो ये शो करना चाहेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली मुझे लगता है वो करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने रोडीज किया है, बिग बॉस किया है, तो डेफिनेटली वो ये बड़ा शो का मौका तो नहीं छोड़ सकते, डेफिनेटली वो इस शो का हिस्सा बनेंगे जब उन्हें पता चलेगा। और उनको खतरों से लड़ते हुए देखना, खेलते हुए देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, आप सभी की क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके क्या लगता है, शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी नेक्स्ट सीजन करना चाहिए या नहीं, बता दीजिए। और देखते रहे फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।